अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको BTC DLED द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट 2019 अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी हो चुकी 20 अक्टूबर 2019 के हम बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आप सभी बच्चों के पेपर और रिजल्ट को बारे में, ठीक है। तो DLED जो बच्चे नए आए उनका प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम डेट क्या हो सकता है, तृतीय सेमेस्टर का पेपर कब होगा और चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम डेट दोस्तों डिक्लेयर है, तो तैयारी कैसे करेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यूपी टेट 2019 प्रश्न पत्र होगा अलग स्तरीय प्रश्नों के लिए, ठीक है, अलग स्तरीय प्रश्नों के लिए कर रहे हैं तैयार। अब दोस्तों देखिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि अगली बार नेगेटिव मार्किंग होने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, जो यूपी टेट का पेपर 2020 में होगा उसमें हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग आ जाए, तो इसीलिए दोस्तों इस बार बहुत जरूरी हो जाता है कि जो बच्चे इस समय तृतीय सेमेस्टर में आ चुके हैं, जो थर्ड सेमेस्टर में है, तो उनको बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए कि यूपी टेट 2019 का पेपर दे सकें। अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया दोस्तों, 100+ चले गए तो चलिए दोस्तों आपके बाद फिर भी ठीक है, काफी अच्छे उम्मीद हो जाएगी नौकरी पाने की, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग को मौका नहीं मिला, जैसा कि कल ये खबर आई थी, कल की खबर है दोस्तों कि डीएलएड 2018 का रिजल्ट ना आने से फंसे 1.5 लाख अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपल सी बात है दोस्तों यार कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को भी सपोर्ट करना होगा कि आप लोग को सोचना है कि कैसे 31 अक्टूबर तक आप लोग का रिजल्ट आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को भी प्रयास करना चाहिए, सोशल मीडिया पर थोड़ी इसकी लहर बनाइए ताकि आपका रिजल्ट आ सके, जिससे आप लोग दोस्तों यूपी टेट 2019 के लिए क्वालिफाई हो पाए। अगर दोस्तों एक बार आपको मौका मिलता है यूपी टेट 2019 में, तो कम से कम नहीं तो 1.5 लाख बच्चों में से, ठीक है ना, हम नहीं कहते कि हर एक बच्चा पास होगा, हर एक बच्चा टॉप मारेगा, लेकिन दोस्तों 1.5 लाख बच्चों में से अगर 50,000 बच्चे भी यूपी टेट 2019 का पेपर पास कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आने वाले टाइम में इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी तो क्या आपको इफेक्ट पड़ेगा उसको देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों काफी चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो रेड कलर की जो बटन दिख रही है ना सब्सक्राइब लिखा, उसको हल्का सा टच कर लेना है आपको। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज के शेयर करना है कि हर एक बच्चा साथ हो सके। देखिए दोस्तों डीएलएड में हमने ये देखा अभी तक के एक्सपीरियंस से, यहाँ के बच्चों में एकता कम पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद बच्चे परेशान होते हैं। देखिए दोस्तों हमेशा आपको अप टू डेट रहना है, सरकार नई नई योजनाएं लाती रहती है, तो दोस्तों जो योजनाएं आती है ना, अभी थोड़ी दिन पहले एनजीओ वाला मैटर आया था, वो भी डीएलएड के लिए किया गया। आप लोग सिर्फ डीएलएड या बीटीसी करके ना प्राथमिक लेवल के ही टीचर बन पाएंगे, याद रखना है। बीएड वाले बच्चों के पास काफी ऑप्शन है, अगर आप लोग अपना कंपटीशन बीएड के बच्चों से कर रहे हैं तो आप लोग उनके कंपटीशन में है ही नहीं दूर दूर तक, उनको तो डीएलएड का भी मौका दिया गया दोस्तों। आपके पास तो टीजीटी पीजीटी का कोई मौका ही नहीं है, तो मतलब बीएड वालों के पास जो बैकअप है ना वो बहुत बड़ा वाला है, आपके पास कोई बैकअप में कुछ है ही नहीं। और सरकार दोस्तों नए नए नियम रोज लाती रहती है जो कि आपके प्राइमरी लेवल के शिक्षकों को दिक्कत ही होगा, क्योंकि आपके आने वाली वैकेंसी में ही आपको दिक्कत ज्यादा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको चाहिए होता है ये चाहिए कि देखिए आपको जो डीएलएड का या बीटीसी का 2015 बैच था ना, तो वो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आ नहीं पा रहा था, लेकिन दोस्तों बच्चों ने कोशिश किया और दोस्तों वो 69,000 शिक्षक भर्ती के पात्र बन गए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कुछ सीनियर बच्चे हो तो उनसे पूछिएगा 69,000 शिक्षक भर्ती में बीटीसी 2015 बैच कैसे आया था, बच्चों ने काफी मेहनत की। पेपर दो दिन का एक बार लीक हो गया था, जब फाइनल आपका जैसे समय चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, इनका पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, बच्चों पर दोहरा संकट मंड रहा है। पेपर रद्द होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि यार पेपर काफी दिन बाद हो सकता था, लेकिन दोस्तों सभी बच्चों को उस समय पता चल चुका था कि सुपर टेट का पेपर होने वाला है, 69,000 वैकेंसी आ चुकी है, पेपर दिसंबर में सब कुछ ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, तो बच्चों ने मेहनत जी तोड़ की, ठीक है। उस मेहनत का अंजाम दोस्तों ये हुआ कि पेपर के रद्द होने के बाद एक महीने के अंदर, जी हाँ दोस्तों एक महीने के अंदर इन बच्चों ने दोबारा से पेपर करा के दोस्तों दिखा दिया कि ये डीएलएड के छात्र हैं या बीटीसी के छात्र हैं। तो दोस्तों एक महीने में इनका पेपर होता है, फिर से इनका रिजल्ट बहुत ही तेज ताबड़ तोड़ आता है, उसके बाद दोस्तों ये 69,000 शिक्षक भर्ती के पात्र होते हैं। और दोस्तों आज बीटीसी 2015 से कम नहीं तो 20 से लेकर 40,000 बच्चों ऐसे होंगे जो नौकरी पाएंगे, जो बच्चे बीटीसी 2015 बैच के थे। तो दोस्तों काफी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो बच्चे नौकरी पाने वाले हैं, बस उनका सुनवाई इस समय फिलहाल हाई कोर्ट में डबल बेंच में चल रहा है, जैसे दोस्तों वो सब क्लियर होगा वो बच्चे नौकरी पाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों बस इतना था कि वो बच्चे कितना स्ट्रगल किए, समझ सकते हैं आप लोग कि यार जब आपको पता हो कि आपका पेपर हो रहा हो, आज आपका पेपर रद्द हो जाता है और उसके एक महीने के बाद, या कोई आपको तो पता है पेपर रद्द होने के बाद तो दोस्तों कुछ ऐसा होता नहीं कि कल पेपर होगा, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बच्चों ने जो मेहनत की ना दोस्तों वो काबिले तारीफ थी उनकी।
तो अब आपके पास देखिए मौका है, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में है बच्चे आते हैं द्वितीय सेमेस्टर में, या बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर का जो रिजल्ट रुक रहा है, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो कम से कम दोस्तों आप लोग अगली बार यूपीटेट 2020 से पहले अगर एक बार आपको मौका मिलता है तो ठीक है, कुछ बच्चे तो दोस्तों पास हो ही कर लेंगे। अब देखिए जिन बच्चों को गणित को लेकर काफी बच्चे हो रहे हैं परेशान, यार परेशान नहीं होना, बैक लगती है लगने दो, ठीक है, उससे आपको यूपीटेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ईयर बैक होगी दोस्तों तो बात अलग होता है, सेमेस्टर बैक हो गया है आपके, लेकिन जो बच्चों की नॉर्मल बैक आती है तो फिलहाल उनको पेपर के लिए मौका अधिकतर दे दिया जाता है दोस्तों, उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है बैक को लेकर, क्योंकि होता क्या दोस्तों कि आपका रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों, आपको जब रिजल्ट मिल जाता है तो कभी कभी होता है ना जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ एडमिट कार्ड के साथ दोस्तों आपका रिजल्ट भी मांग लिया जाता है, तो वहां पर इस रिजल्ट का यूज होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम डीएलएड पहले सेमेस्टर में है, ठीक है, बीएड के प्रथम ईयर में, तो कैसे क्या करेंगे, तो दोस्तों बस इतना ही सा अंतर है, तो आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों कितने बच्चों की बैक लगने की उम्मीद है, देखिए दोस्तों बैक की जो बात होती है वो यार हर साल एक रिकॉर्ड बनता है डीएलएड में, लेकिन इस बार का पेपर काफी आसान था, और जहां पर दोस्तों बिल्कुल भी नकल नहीं हुई है उन बच्चों के साथ दिक्कतें ज्यादा हुई हैं, और दोस्तों जो बच्चों की मैथ कमजोर थी पहले से उनके साथ दिक्कतें हुई हैं, जो बच्चे पहले 5 नंबर बहुविकल्पी के गलत करके आए हैं उनके साथ दिक्कत हुई है, ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है तो उनकी तो बैक दोस्तों लगभग 100% श्योर हो जाता है कि उनकी बैक लगेगी। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं आप वार टाइप के, जो बच्चे 5 के 5 बहुविकल्पी गलत करने के बाद भी अपनी बैक को बचा सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पीएनपी कब तक जारी करेगा रिजल्ट, देखिए दोस्तों अभी तक कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं निकल कर आ रही है, अभी दोस्तों आपकी कॉपियां चेक ही हो रही है, देखिए यहाँ पर जो अपडेट आई थी उसको पढ़ कर आपको सुना देते हैं अगर आपने ना सुना हो। यूपीटेट 2019 के लिए डीएलएड 2018 द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे क्योंकि 2 महीने के बाद भी उनका परिणाम नहीं आया है। प्रशिक्षुओं ने रिजल्ट की मांग को लेकर शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, उनकी मांग है कि 31 अक्टूबर से पहले परिणाम घोषित हो ताकि वे परीक्षा में शामिल हो सके। तो अनुराग व अभिषेक तिवारी ने बताया कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 16, ठीक है, 14, 16 व 17 अगस्त को हुई थी, परिणाम अभी तक नहीं आया है, इससे वे टीटी के छात्र के साथ ही छात्रवृत्ति से भी वंचित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्कॉलरशिप से भी बाहर हो जाएंगे, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, छात्रवृत्ति फॉर्म की वेबसाइट भी बंद हो जाएगी, इससे वे सभी परेशान है, इसलिए जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। सचिव अनिल भूषण ने बताया कि परिणाम तैयार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मेन बात है, इन्होंने क्या बताया कि परिणाम अभी आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो रहा है, जल्द ही घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों अभी आपका रिजल्ट बना भी नहीं है तो मतलब साफ है कि समय लगेगा, तो उम्मीद करते दोस्तों कि भाई थोड़ी सी सरकारी काम में तेजी आएगी। इसीलिए दोस्तों होता है ना कि जो आप लोग सुनते होंगे कि यार सरकारी व्यवस्था को क्यों हटाया जा रहा है, काफी तेजी से दोस्तों प्राइवेटाइजेशन पर बल दिया जा रहा है, दोस्तों यही रीजन होता है, पेपर इतना समय हो जाता है अभी तक आपका रिजल्ट का कोई भी आता पता नहीं है, ठीक है। अगर ये प्राइवेट होता दोस्तों तो आपको पहले से पता होता कि इस तारीख को आपका रिजल्ट जारी होगा, तो दोस्तों ये तो बड़ी अपडेट्स होती हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या यूपीटेट 2019 का क्या होगा, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप लोग रिजल्ट नहीं आएगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर दोस्तों अप्लाई करते भी हैं तो आपका वैलिड नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं आपको पेपर देने का मौका मिल गया, देखिए मेन बात होती है वैलिड होगा कि नहीं सर्टिफिकेट, मेन आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है यूपीटेट का, जिसमें आपका लिखा होगा नंबर, जो भी नंबर हो, 110 नंबर, 100 नंबर, 90 नंबर, 82 नंबर, तो दोस्तों आपको वो सर्टिफिकेट की ज्यादा जरूरत होती है, तो वही जरूरत है मैं। उसके बाद दोस्तों जो प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम डेट का लेकर बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, पेपर कब से होगा, कब से होगा पेपर आखिर, तो दोस्तों अभी आप लोग का नया सेशन है तो भाई थोड़ा खून गर्म होता है, तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पेपर हो और कैसे होगा, बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं। तो दोस्तों अभी आपका पेपर समय लगेगा, और जनवरी और फरवरी तक आपका पेपर हो सकता है, जनवरी फरवरी 2020, जी हाँ दोस्तों जनवरी फरवरी 2020 तक आपका पेपर प्रस्तावित हो सकता है, ठीक है, कम से कम 6 महीने का समय दीजिए। उसके बाद दोस्तों डीएलएड तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2019, तो दोस्तों अभी तक आपका ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं आया है, जैसे आएगा सबसे पहले दोस्तों हम आपको अपडेट कर देंगे, फिलहाल आप लोग यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करिए, अगर आप डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात होगी हमारी कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम डेट 2019, जो बच्चे अब फोर्थ सेमेस्टर में है तो उनकी तो एग्जाम डेट दोस्तों आ चुकी है, आप लोगों को पता होगा 14, 15 और 16 नवंबर 2019, जी हाँ दोस्तों इन बच्चों का पेपर आ चुका है, तो ये बच्चे अब तैयारी में जुट चुके हैं। देखिए इस समय अभी आप लोग को यूपीटेट की तैयारी नहीं करना है, अभी आप लोग अपना सेमेस्टर भी देख लीजिए, जो बच्चे भाई सेमेस्टर से अच्छे से आता है उनको, वो बच्चे चलो ठीक है यूपीटेट की तैयारी करें तो अच्छी बात है,
नहीं तो दोस्तों अगर आपका यहाँ डीएलएड का पेपर बिगड़ गया ना फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ बैक लाना नहीं है किसी भी कीमत पर। जी हाँ दोस्तों एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर दोस्तों आपको बैक नहीं लाना है, बच के रहना है। अगर आपकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, कमजोर है तो दोस्तों आपको रिविजन की जरूरत है, पढ़ाई पढ़ते रहिए। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही थी, यूपी टेट प्रश्न पत्र होगा अलग स्तरीय प्रश्नों के लिए कर रहे हैं, तैयार क्या है दोस्तों पढ़ते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 में जिस तरह से इम्तहान के कुछ नियम बदले हैं ठीक वैसे ही प्रश्न पत्र में आंशिक बदलाव के लिए भी तैयार रही है। परीक्षा संस्था होने वाले प्रश्न पत्र बड़ा उलट फेर करने के पक्ष में नहीं है लेकिन पेपर स्तरीय बनाने पर कार्य शुरू हो चुका है। भले ही इस बार कठिनाई स्तर इंटर तक ही रखा गया है लेकिन कई परीक्षा देने वाले को प्रश्न पत्र बदलने का एहसास होना तय है। ठीक है दोस्तों यूपी टेट का शासन आदेश जारी हो चुका है, 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 22 दिसंबर को पेपर कराया जाएगा। इसी के साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इम्तिहान के लय में आ गया है, प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए नए विशेषज्ञ व एजेंसी चयन का कार्य शुरू है। परीक्षार्थी यदि संकेतों की भाषा समझे तो उनके पाठ्यक्रम में किसी तरह का अंतर नहीं है, केवल प्रश्न पूछने का तरीका बदला होगा। जवाब भी उन्हें बहुविकल्पी परीक्षा की तरह ही देने हैं, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों यही बात हम कह रहे थे आपसे कि इस बार भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद भी उत्तीर्ण प्रतिशत आसानी से वही अभ्यर्थी हो पाएंगे जिनकी तैयारी अन्य से बेहतर होगी। परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए एक और संकेत यह है कि जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट में बैठ रहे हैं उन्हें कुछ सहूलियत रहेगी क्योंकि सीटेट पहले 8 दिसंबर को ही हो रहा है। इसमें नियमित तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों पर खास असर नहीं आएगा लेकिन तुक्का और यूं ही परीक्षा देकर उसे उत्तीर्ण करना आसान नहीं होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। यह परीक्षा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हर वर्ष कराई जाती है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड को सशर्त अनुमति मिलने के बाद अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ना तय है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर बीएड को भी अनुमति मिल चुकी है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब कुछ आपने देख लिया तो आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है अगर आपको दोस्तों जैसे ही रिजल्ट की अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे तो दोस्तों आपको भी यही चाहिए कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका रिजल्ट किसी भी तरह आ जाए एक बार तो आप लोग भी तैयार हो जाएंगे यूपी टेट के लिए। इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं तो मतलब अच्छी बात है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट सभी को। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द आपके लिए खुशखबरी आए।